अभी हम कश्मीर फाइल्स देख के उतरे हैं एंड बहुत ज़्यादा माइंड को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली है कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस टर्म छोटा पड़ जाता है जो सलूक हुआ है कश्मीर में उनके साथ। एंड ऐसी ही चीज़ों से पता लगता है कि हम अपनी प्रिविलेज लाइफ में कितनी सुख शांति से जीते हैं और जो लोग झेलते हैं ये चीज़ें उनको किस किस सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। सो मस्ट वॉच फॉर एनीबडी हु केयर्स अबाउट इंडियाज यूनिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको बिल्कुल अपनी थोड़ा टाइम निकाल के देखनी चाहिए ये मूवी। एंड जैसा कि सिडकॉक ने बोला था, एक डॉक्यूमेंट्री जिसके ऊपर ये बेस्ड है, आई थिंक इट वॉज द नोटबुक फ्रॉम कश्मीर, जो कि कल रात को मैंने देखी थी। सिद्धार्थ कक ने बहुत अच्छा इसका रिव्यू किया है, उनका चैनल पे जो उन्होंने रिव्यू किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आप लोग उनकी मेरे से मच बेटर इस मूवी के बारे में व्यूज़ सुने, देखें और समझें, क्योंकि उनका मेरे से बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी है और एक्सपीरियंस तजुर्बा ही हुआ, लेकिन वर्ल्ड व्यू जो है वो सिडकॉक सर का ऑफ कोर्स मेरे से कहीं ज़्यादा है। एंड वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए हैं कि क्या डील किया गया है इस मूवी के अंदर। मैं तो अभी देखने के बाद ऑलमोस्ट शॉक में हूँ, अभी जस्ट देख के निकलने के बाद यही है मेरे थॉट्स। एंड आई डोंट थिंक इतनी इमोशनल चीज़ का मैं लंबा रिव्यू बना पाऊँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इतनी सीरियस होती हैं कि जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचते हैं उतने ज़्यादा आपके ख्याल दूसरी चीज़ों की तरफ भी जाते हैं। एंड इस मूवी में भर भर के ऐसी चीज़ें हैं कश्मीरी पंडित्स के ट्रीटमेंट के बारे में, कश्मीर में क्या सिचुएशन है उसके बारे में, एंड एक रियल वर्ल्ड का जो तकलीफ़ होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो माय हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सो फार इज़ टू गिव सम टाइम इन योर लाइफ टू वॉच दिस एक्सलेंट मूवी। इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स knowledge and in its own way it's education, so that we can be better at being kind unto one another. Ek dusre se thodi sahanubhuti se pesh aaye, thoda humanity thodi badhaye ek dusre ki taraf, taki aisi cheeze agli generation ko, is generation ko bhi na dekhne ko sehne ko mile. And heart wrenching, काफ़ी हार्ड हिटिंग मूवी है। सो आई रिकमेंड इट एज अ मस्ट वॉच फॉर एवरीबडी हु वॉन्ट्स टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। थैंक्स सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।